आज हम आपको एक चीकू के पौधे से बारे में जानकारी साझा करेंगे। तो उसपे बहुत ही अच्छा पौधा है और ये पौधा आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, चाहे आप इसको पॉट में लगाइए या आप सड़क पे लगाइए छायादार वृक्ष के रूप में, और या इसकी खेती करिए यानी आप बागवान करिए। ये वैरायटी, ये किस्म या ये पौधा इतना खूबसूरत है कि इसमें ज़्यादातर समय आपको हरी पत्तियाँ रहेंगी, यानी कि डॉर्मेंसी पीरियड में भी इसमें ज़्यादातर पत्तियाँ हरी रहती हैं। देखिए इसमें कितनी फ्लावरिंग है, आप देख रहे हैं हर डाल में फ्लावर है। अच्छा, फ्लावर में इसमें ये देखिए चीकू भी लग रहे हैं, फ्लावरिंग भी हो रही है। दोस्तों इसमें बहुत सारा बेनिफिट है इसको लगाने से। पहली बात तो आप हमारे पास इस तरह से क्वेरीज आ रही हैं अब कि हमारे मित्र लोग आज पूछ रहे हैं कि आप कौन सी वैरायटी सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा यही सजेशन है, जो हमने काली पत्ती चीकू खाया है तो हमने पाया है कि वो ये मीठा अच्छा, ज़्यादा अच्छा मीठा होता है। और इस पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत बढ़िया होती है, यानी कि इसमें बहुत कम रोग लगते हैं। जब भी आप देखेंगे बहुत सारे पौधों में रोग बहुत होते हैं और इम्यूनिटी सिस्टम उसका ख़राब होता है, लेकिन ये पौधा इतना खूबसूरत है और इसकी पत्तियाँ इतनी टॉलरेंस पावर, इतनी हीट की टॉलरेंस पावर इतनी अच्छी है कि ये बहुत भरी गर्मी में और इसी प्रकार से चलता रहता है। दोस्तों प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होने के कारण इसका फलन भी बहुत अच्छा है। ये देखिए हर डाल में फ्लावर है, देखिए हर फूल ही फूल। बस आपको देखिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा कि अब इसमें कहीं दूसरी वैरायटी कौन सी। जी हाँ, इसके बाद अगर जो हमने देखी समझ में आई है वो थाई चीकू की वैरायटी आती है, वो अच्छी है और वो भी बढ़िया है, खाने में मीठी भी है। इसके अलावा क्रिकेट बॉल चीकू आता है, वो गोल होता है, क्रिकेट की बॉल की तरह होता है, लेकिन उस चीकू में एक प्रॉब्लम है कि वो उतना मीठा नहीं जितना काली पत्ती है। दोस्तों मिठाई को अगर संदर्भ में रखेंगे और थोड़ा क्वालिटी वाइज सहनशीलता रखेंगे, उसमें आपको ये काली पत्ती चीकू जो है बाजी मार लेगा। और टेरेस गार्डनिंग के लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बस इसको टेरेस गार्डनिंग वालों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई तो छोटा पौधा हो तब उसमें फल ना ले, थोड़ा सा मेच्योर हो जाए, कम से कम 2 साल का पुराना हो जाए तब तक उस, क्योंकि ये फ्रूटिंग या फ्लावरिंग तो बहुत पहले से शुरू कर देता है, परंतु इसमें फलन थोड़ा अगर बाद में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों इस चीकू के पौधे को बागवानी के लिए और टेरेस गार्डनिंग के अलावा अगर सरकार चाहे तो सड़क के किनारे भी इसके पौधे रोप कर, क्योंकि इसके बड़े पौधे अगर लगाए जाएंगे सड़क के किनारे तो ये पहली बात तो हमेशा छांव देंगे, मतलब इसमें हरी पत्ती ज़्यादातर समय, डॉर्मेंसी पीरियड बहुत छोटा सा इसका है और सामान्यतः उसमें पत्तियाँ पूरी इसकी गिरती नहीं है, तो ये सड़क के किनारे लगाने के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि पॉपुलर नहीं है और बहुत सारे लोगों के विचार में ये रहता है सड़क किनारे बच्चे तोड़ेंगे, फल वाले पौधे नहीं लगाएंगे। दोस्तों बच्चे तोड़े या कोई तोड़े, अगर फल लगेंगे उसमें तो इसका टेंडरिंग भी सरकार कर सकती है हाईवेज पे या सड़क के किनारे लगाकर, बाद में इस तरह के टेंडर, देखिए आप पहाड़ों के किनारे सड़कों पे लगा सकते हैं, उससे ये फ़ायदा होगा कि देश में आमदनी बढ़ेगी लोगों की। देखिए सरकार को थोड़ा अलग तरह से सोचना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने माइंडसेट में बना कर रख लेते हैं कि ये समस्या या ये काम नहीं हो पाए, या हमारे पुराने समय के हिसाब से ही हम बहुत सारी चीज़ें मान लेते हैं, तो थोड़ा सा हमें अलग तरह से सोचना पड़ेगा। इसको सड़क पर लगाने से जो हमारे बंदर लोग हैं उनको भी खाने में आसानी हो जाएगी, या इसके आप जंगल भी लगा सकते हैं, सरकार इसके पौधे रोप कर या नर्सरियों को बड़े बड़े पौधे तैयार करके जंगलों के रूप में भी इसको लगा सकते हैं, जिसमें इसमें फलन भी होगा और साथ साथ जो पशु या पक्षी या जो लोग खाने वाले हैं वो भी इसको खाएंगे। तो की फेर है दोस्तों, इसके लिए सबसे अच्छी है कि इसमें नीम ऑयल आप छिड़काव करते रहें, और खाद के लिए इसको गोबर की सड़ी खाद और नीम की खली, बोन मील इसको बहुत पसंद है क्योंकि कैल्शियम की ज़रूरत इसको ज़्यादा पड़ती है, ये 3 चीज़ें आप देते रहें। और सिम्टम बेस्ड अगर आप देखिए, हम अगर टेरेस गार्डनिंग करते हैं
टेरिस गार्डनिंग में हम अगर थोड़े छोटे फल रहते हैं या कम फल होता तो चल जाता है, परंतु अगर आप बागवानी कर रहे हैं और किसान हैं तो आप नेचुरली केमिकल का प्रयोग करेंगे और करना भी चाहिए आपको, जब सिम्टम लगे या 0534 या 0050 जब फल थोड़े से बढ़ने वाले हों, जब आपका फल फट रहा हो तो बोरॉन का छिड़काव करें, कैल्शियम के लिए कैल्शियम नाइट्रेट का छिड़काव करें। हम इस खाद के बारे में कैसे खाद दें इस पर अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि वो एक अलग विषय है और उसमें कितना खाद देना है ये निर्भर करता है, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट अगर आप ज़रा सा भी ज़्यादा दे देंगे आपका पौधे की पत्तियां जलने लगेंगी। दोस्तों एक चीज़ ये भी है, दूसरा ये है कि कैल्शियम नाइट्रेट के साथ कौन सा खाद देना चाहिए, इसे आपको एक संक्षिप्त में बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके फल फट रहे हैं तो अगर आपको कैल्शियम की कमी भी दिखाई दे रही है तो कैल्शियम नाइट्रेट आप और उसमें बोरोन बहुत थोड़ा सा मिलाकर दे दें। देखिए बोरोन इतना ख़तरनाक केमिकल है कि अगर आपने उसकी मात्रा ज़्यादा कर दी तो टॉक्सिक हो जाएगा और आपका पौधा मर भी सकता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये समझ रहे हैं कि इस पौधे को बहुत आसानी से उगाया जा सकता है और इसको गमले में भी लगा सकते हैं, फलन बहुत अच्छा होता है और अगर आप इसको छी जगह आप उसमें भी लगा सकते हैं। उसे काली पत्ती चीकू बहुत ही बड़ी है और इसमें इसकी एक चीज़ और आपको बताने की कोशिश करेंगे, कभी कभी किसी किसी हमारे मित्र के यहाँ इसमें फ्रूटिंग में फल बनने की समस्या रहती है तो आप इसको सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं। हालांकि किसानों के लिए असंभव चीज़ है क्योंकि इतने सारे फलों को करना, लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इस जब ये फल थोड़ा सा फूल जब बड़ा हो जाए तो आप इसको केवल आपको दबा देना है, इससे सेल्फ पॉलिनेटिव वैरायटी है, जब इसको दबा देंगे तो पॉलिनेशन हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि पॉलिनेशन ना होने की वजह से फल नहीं बनते, जैसे ये है ये फ्लावर आया हुआ है, अब ये फ्लावर को हम थोड़ा सा ये फ्लावर है ये आप देख रहे हैं ये इसको दबा देंगे आप बस। दोस्तों राम की बगिया चैनल में इसी प्रकार की नई नई वीडियो के लिए देखते रहें, शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।